सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी त्रिची। लेकर आ गया हूं फिर से एक और जबरदस्त वीडियो। यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, इस पूरी बात को हम समझेंगे। उससे पहले जो आप लोगों ने प्यार दिखाया जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव चैट की डेट फिक्स करने का मैं पूरा हो चुका है, सब कुछ फिक्स हो चुका है लाइव चैट के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी तक मेरा कम्युनिटी टैब यूट्यूब ने ओपन नहीं किया है जिससे मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकता हूं जिससे लोगों को लाइव चैट की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जैसे ही मेरा कम्युनिटी टैब चालू होता है तो उसके बाद मैं लाइव चैट की स्टोरी डाल दूंगा, तो आप लोग भर भर के अपना लाइव चैट के लिए प्यार दिखाना और आप लोग आना, जुड़ना। और जो भी डाउट्स हैं आपके एमटेक से रिलेटेड, स्टाइपमेंट से रिलेटेड या आईआईटी एनआईटी से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड, सारे क्लियर करेंगे एक साथ। आज का स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने आईआईटी जोधपुर, क्योंकि उसका एडमिशन वगैरह चालू होने लगा है। 20 अप्रैल 2021 उसकी लास्ट डेट रखी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चालू हो गए हैं, तो अभी तक इनके कट ऑफ रिलीज नहीं किए गए हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहे थे। लेकिन इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी वगैरह या कौन कौन सी ब्रांचेस पीआई एक्सी आईएन वालों को क्या क्या अपॉर्चुनिटी इस साल मिली है वो सारा सब कुछ रिलीज कर दिया है, तो उसका अभी आगे आप जब देखोगे तो आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि आईआईटी जोधपुर क्यों इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जोधपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसका नाम है एमटेक पीएचडी ड्यूल डिग्री। देखिए यहां पर एक एमटेक होता है जिसमें डायरेक्टली गेट के आप स्कोर से एंट्री कर सकते हो, पर अगर आपका लो गेट स्कोर रह गया है और अगर आपको एमटेक प्लस पीएचडी करना है, यहां पर 5 साल के ड्यूरेशन में ये एमटेक प्लस पीएचडी दोनों करा देते हैं, जिसमें आपको पहले ही महीने से 31,000 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि बेहतरीन है। मैंने खुद इसका एक इंटरव्यू दिया हुआ है, आप जाकर नीचे मेरी ही वीडियो में आईआईटी जोधपुर का मेरा ड्यूल डिग्री इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जरूर देखें, आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। इस कोर्स में क्या खासियत है, यहां पर आप 5 ही साल के ड्यूरेशन में आपका एमटेक प्लस पीएचडी हो जाएगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपका गेट स्कोर यहां पर बहुत कम रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज है, आप एमटेक के बाद पीएचडी अगर आप सोच रहे हो नहीं कर रहे हैं, एमटेक की डिग्री मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एमटेक प्लस पीएचडी बोथ आपको कंबाइन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसके लिए रिटेन प्लस इंटरव्यू होता है। पिछले साल क्या हुआ था, रिटेन नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो उन्होंने मेरे 2 इंटरव्यू ले लिए थे। ठीक है, सीट बहुत कम होती है, मुश्किल से 2-3 लड़कों को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो जाके अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करिएगा। यहां पर इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है, आपकी या तो 60% हो या 6 CGPA हो। सिर्फ 6 CGPA आपका अगर बीटेक बी में है तो आप लोग यहां पर एलिजिबल हो, या आपके एमएससी वगैरह में बीएससी वगैरह में 60% है तो आप तब भी एलिजिबल हो। और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहां पर प्रोवाइड करते हैं ये लोग एक्ससी के लिए, पीआई ब्रांच के लिए, आईएन ब्रांच के लिए और कोर ब्रांचेस के लिए, तो ऑब्वियसली हमेशा अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो ये पूरी इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। ठीक है, यही सेम क्राइटेरिया लाई करेगा आपके एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री के लिए। अब की जो आगे की आप वीडियो देखोगे इसमें आप पूरा एलिजिबिलिटी और एलिजिबल डिसिप्लिन वगैरह जानोगे। चलो देख लो, पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और आपकी डिग्री कौन कौन सी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये एमटेक और स्पेशल एक कराया जाता है एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री। ये बहुत अच्छा कोर्स है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पूरा बताया। डिपार्टमेंट्स देख लो किस किस में एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी होता है और किस में नहीं होता है। बायोसाइंस में आपको एमटेक और एमटेक पीएचडी मिलेगा, सीएससी में मिलेगा आपको, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिकल में मिलेगा एमटेक प्लस पीएचडी, आपको आर्टिफिशियल और सीएससी दोनों में मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल में आपको सेंसर एंड आईओटी में मिलेगा, साइबर फिजिकल सिस्टम में मिलेगा, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में मिलेगा। मैथमेटिक्स में डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस में मिलेगा। मैकेनिकल में आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में नहीं मिलेगा, थर्मोफ्लूइड्स में मिलेगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर देखिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाएगा आपको, यहाँ पर डिज़ाइन वाले कंबाइन में नहीं मिलेगा। और एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री इन मशीन डिज़ाइन, मतलब यहाँ पर जो कंबाइन वाला जो पोर्शन है उसको अलग कर दिया गया है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आपको दोनों मिल जाएगा, केमिकल में मिल जाएगा।
सिविल में देखोगे तो स्पेशलाइजेशन अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो आप तो दोनों रहेगा और स्पेशलाइजेशन। अब देख लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या कैसा कैसा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अगर आप बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री ये तीन टाइप की हो सकती हैं, बीटेक हो, बीई हो या बीएससी हो या एमएससी हो या बीटेक एनी सीएफटीआई या सीपीआई जिसमें 8 या 10 से आपके अबव नंबर हो। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, वैलिड गेट स्कोर हो किसी भी ब्रांच मतलब से आपने गेट दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अलाउड किया जाएगा विद ट्रेनिंग इन बायोलॉजी। ठीक है, ये दिया हुआ है लेकिन आप चिंता मत करिए, आप किसी भी ब्रांच से हो, एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, आपको अलाउड किया जाएगा। और सीएफटी वालों के लिए सिर्फ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे तो यहाँ पर बीटेक और बी आपकी एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग की हो डजंट मैटर, इवन आपने मैकेनिकल में की हो, आपने इलेक्ट्रिकल में की हो, आपने ईसी में की हो, किसी में भी की हो, और एमएससी की हो एनी डिसिप्लिन और एमसीए, बस आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए सीएसआईटी डबल ई और ईसी में, इन चारों में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखते हैं, यहाँ पर आपका जो बीटेक है वो या तो आपका सीएससी में हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो या फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनी अदर डिग्री नेम इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब अगर आपने गेट सीएसआईटी में दिया हुआ है तो आप अलाउड होगे। ठीक है, चलिए फॉर सेंसर एंड आईओटी के लिए देखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए देखेंगे, आपका जो बीटेक हो या बीई हो या बीएससी हो, ये इलेक्ट्रिकल में हो या ईसी में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो या कंप्यूटर साइंस में हो, आपकी इंजीनियरिंग इसमें होनी चाहिए और आपका जो गेट पेपर है वो डबल ई ईसी आईएन और सीएस में होना चाहिए। तो आईएन वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई यहाँ पर। उसके बाद फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम्स में लिए देखेंगे तो आपने बीटेक बी बीएससी किया हो ठीक है चल जाएगा, लेकिन आपका किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, ईसी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में और कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और आपका गेट देखिए इन चारों में होना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। एक और अब आ जाता है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में, यहाँ पर आपका बीटेक बीई बीएससी इलेक्ट्रिकल में या ईसी में होना चाहिए पर आपका गेट ईसी में होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद ये देखिए सीएफटी सीपीआई वालों के लिए दिया, पढ़ते जाइए, लेकिन मेरा मेनली फोकस रहेगा गेट वालों कैंडिडेट्स के लिए। फॉर डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस के लिए देखेंगे, आपने बीटेक बी एम एस सी इक्विवेलेंट किसी में भी किया हो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, बट आपका जो गेट है वो एरोस्पेस में हो ठीक है या ईसी में हो या कंप्यूटर साइंस में हो, आईटी में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, इंजीनियरिंग साइंसेस, एक्सी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक्सी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, स्टैटिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, आप सारे अलाउड हो। फिर देख लेते हैं फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन के लिए, यहाँ पे आपका बीटेक बीएससी मैकेनिकल में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस या मेगाट्रॉनिक्स में होना चाहिए मेनली। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि प्रोडक्शन से, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अलाउड है, आप अलाउड होगे, और आपका गेट यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। बीटेक में देखेंगे सीएफटी वाला तो ये पूरा दिया हुआ है। मशीन डिज़ाइन के लिए देखेंगे तो मशीन डिज़ाइन के लिए मेनली क्या है, मैकेनिकल में हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हो, एरोस्पेस में हो, मेगाट्रॉनिक्स में हो, आप अलाउड होगे। आपका जो गेट है वो मैकेनिकल में, एरोस्पेस और पीआई में होना चाहिए। देखिए पीआई के लिए एक और अपॉर्चुनिटी, एक्सी वालों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो परेशान मत होइए कि एक्सी को यहाँ पर अलाउड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्मो फ्लूइड्स में, सेम चीज़ें रिपीट करेंगे थर्मो फ्लूइड्स में, बस केमिकल इंजीनियरिंग और पावर प्लांट इंजीनियरिंग को फ़ायदा मिलेगा, और आपका जो गेट स्कोर है वो मैकेनिकल में, एरोस्पेस और केमिकल में होना चाहिए, मतलब पीआई, एक्सी, ये सारी ब्रांचेस के लिए कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। चलिए फॉर मटेरियल इंजीनियरिंग देखेंगे, आपकी इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच में हो आप अलाउड होगे, पर आपका जो गेट है वो या तो मैकेनिकल में होना चाहिए या इंजीनियरिंग साइंसेज में होना चाहिए या मेटलर्जिकल में होना चाहिए, मतलब एक्सी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। केमिकल के लिए देखेंगे तो आपका केमिकल में हो, बीटेक बी बी एस सी एम एस सी या उससे रिलेटेड कोई भी डिसिप्लिन में हो ठीक है प्रोसेस केमिकल मेट कुछ भी हो सकता है, आपकी ब्रांच हो सकती है, आपके पास किसी भी डिसिप्लिन का एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, आप अलाउड हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपकी बेस सिविल हो या सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, आप अलाउड हो।
आपका गेट स्कोर चाहे एक्ससी में हो, चाहे एनवायरमेंट में हो, चाहे सिविल में हो, चाहे ईसी में हो, सब अलाउड होंगे यहाँ पर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। 14 देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी। आपका यहाँ बीटेक बी बीएससी सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, पावर प्लांट में हो सकता है, पर आपका गेट सिविल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एमएससी के लिए फिजिक्स होना चाहिए और गेट भी आपका फिजिक्स होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो सारी डिस्क्राइब करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा आईआईटी जोधपुर के बारे में। जैसे ही कोई भी न्यू अपडेट आएगी मैं अपने चैनल पर उस अपडेट को दे दूंगा। लेकिन हाँ, जैसे अभी कट ऑफ वगैरह के लिए बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, भैया आईआईटी दिल्ली की वीडियो बनाओ, एनआईटी भोपाल की वीडियो बनाओ, परेशान मत हो आप लोग, अभी आपका गेट का रिजल्ट अवेटेड है और बहुत सारे आईआईटीज ने अभी तक फॉर्म्स भी रिलीज नहीं किए हैं। जब तक आपकी काउंसलिंग चलती रहेगी इस चैनल पर, एमटेक से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो मैं ये कहूंगा कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। क्या पता कि आपके मतलब की वीडियो आपसे मिस हो जाए, क्योंकि इस समय एमटेक में एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना एक प्लेसमेंट्स के लिए बहुत जरूरी, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, क्योंकि जिस तरीके से ब्रांचेजों में जॉब्स बहुत लेस हो रही है, पीएससी बहुत लेस हो रही है, तो बच्चों का इंटरेस्ट एमटेक की ओर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको बेस्ट एमटेक का अगर कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए और अपना प्यार बनाए रखो यार। और कोई भी डाउट हो तो अपने मेरे फेसबुक पे या इंस्टा पर उसे आप पोस्ट कर दो, या कमेंट में यार थोड़ा कुछ पोस्ट कर दिया करो, बताया करो आप लोग कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़कर, या कोई डाउट है वो भी आप पोस्ट कर दिया करो। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप ऑलरेडी किसी एमटेक कर रहे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं किसी आईआईटी में, एनआईटी में, और आप बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस फॉर्म को फिल करिए, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और हमारे आप अपने थ्रू बच्चों की हेल्प करिए यार। मतलब जो न्यूली एडमिशन आ रहे हैं उनकी हेल्प करिए, जो आने वाले हैं उनकी भी हेल्प करिए। तो आप लोगों की हेल्प बहुत जरूरी होगी बच्चों के लिए। बाकी बहुत सारे सीनियर्स के गाइडेंस मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल पर, हर ब्रांच वाइज, ब्रांच आईआईटीज, एनआईटी, सबका यहाँ पर पूरा डिस्कशन होगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। बाकी आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए इतना सा ही ये वीडियो था। नमस्कार, धन्यवाद।